ਯੂਰਨ ਆਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਮਸਾਨੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜ ਲਈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ खबर दे। अम्मी ना आज आपको एक बात सुनाना चाहती है। अम्मी की बात सुने और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। हम लोग तो खुद सारे हैरान हो गए, बात मुझे सुनाते तो शर्म आ रही थी। मैंने मामा को बोला वो अब बात आप ही सुनाए और अम्मी के मुँह से वो बात सुने, बड़ा मजा आने वाला। अम्मी क्या बात हुई थी? गल इस तरह सी कि मलैका का ना चैनल जेड़ा ना वो 3000 रुके मलाइका के चैनल पर 2K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए हैं। उसने पार्टी की, मैं उसके पार्टी के लिए ड्रेस भी सिलाई करवाया कि अच्छी खासी पार्टी करेंगे, 1K की सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उसने मेरे बगैर ही कर दी। ये गलत बात है, आप सारे कमेंट बॉक्स में उससे बोलें कि वो दोबारा करें और मुझे भी शामिल करें। आपने देखी है उसके चैनल पे वीडियो, उसने मुझे बीच में कहीं भी ऐड नहीं किया। तो चले हम वो पार्टी की वो सुने, मैं थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दूँगी उससे लेकर, और आप उस पार्टी की आप स्टोरी सुने, जो फरी स्टोरी है वो सुने। मलैका ना फोन आया बारहों किसी का कि असी ना तेन मुबारक देनी है। इन्हें क्या ठीक है मुबारक दे दो मैनू। उन्होंने कहा खाली हाथ मुबारक नहीं देनी, असं केक लैके आना। मलैका कह लगी मैं अपनी मामा ने पूछ के दसनी है। मैंने उन्हें पूछा, मैं ठीक है गिफ्ट भी आने ने, केक भी आने ने, मिठाई भी आनी है, तो क्यों तू किसी रोकनी है, तू पार्टी दे मंगवा। और लड़का ना केक लैके आया, वो उत्ते 7-10-12 कलर लगे, जामनी लगा, फिर हरा, पीला, सुरख, गुलाबी, फिर सारे कलर लगे, जिन्हें भी मसलन होंगे ने ना डब्बी कलर, वह सारे कलर लगे। जिन्हें जिन्हें ने खाधा ना, उधरों मेरिया ना भनेवियां भी आईया, उन्हें भी खाधा, उन्होंने भी दंद जड़े ने ना उन्होंने रंग चढ़ गया। फैजा के दंद भी जड़े ने पर्पल जामनी कलर के हो गए। असं जो वेखे असं डर गए, हाँ क्या पता नहीं फैजा के दंदा ने की होया। और फिर खैर इन्हें ब्रश ब्रश किया, कुछ थोड़े जो साफ हो, मेरे हाथों भी रंग लग गया। क्या हमारे बर्तनों को रंग लग गया अम्मी? वो जो प्लेटें ना मैंने अभी देखी थी ऊपर जाके, उनको भी वो सारे कलर चढ़े हुए हैं। अच्छा, मैं सुबह सुबह उठी हाँ ना, इन्हें अबू लाहौर चले गए ने, तो मेरे को आईया ने दूसरे कमरे च, उ मलै महानूर मारा उमे हबीबा मैं इन्हों अबू से सारे एक कमरे से सोने, दोवें जनिया वीडियो बनाने वास्ते एक कमरे च होंगे ने। तो वाशरूम जाके ना नमाज पढ़ने वास्ते वाशरूम हो गई ने, तो आन के कहदियां ने मामा मामा, मैं क्या की है पता नहीं सानू की होया, सानू जो यूरन आन डिया ना वो ना लाल रंग का आन डिया। हमारे तो यूरन में वो ब्लू कलर था, पर्पल इस तरह का कुछ कलर आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, सारा कुछ पेंट हो गया हुआ रात का। जिन्हें केक भेजा थोड़ा जहा लड़का वाकब सी, मैं उन्होंने मैसेज किया, मैं क्या कंजरा मेरे सामने आ, तेन मिलता मैं केक लिया सारे रंगो रंग कर चले। मैं ये बैठी है महानूर मेरे पास, महानूर तैयार हो रही है कि मैंने और कोई और तो डरा नहीं। मलाइका ने तो वैसे किसी के साथ जिक्र नहीं किया, अम्मी के साथ भी नहीं किया। वो तो मैंने अम्मी को पहले पूछा, मैं कहा अम्मी यार ये मसला हो गया, पता नहीं क्या ही मसला है। अब मलाइका पीछे से बोली मुझे भी, मैं कहा अच्छा, मैं सुबह सुबह इसलिए मुझे भी कॉल आ रही थी कि खाला से बात करो जल्दी करो। देखा ना सबके साथ प्रैंक हो गया ना। और अब्दुल्ला दोबारा इस तरह का केक ना भेजना, और एक तो उसमें कलर जो लगे थे उनका भी इतना कड़वा टेस्ट था, मैं आपको क्या बताऊं, जिस जिसने खाया यहाँ तक कड़वा हो गया था मुंह सारा। चले जो भी हंसी मजाक हम लोगों ने किया वो तो चले एक घर का फनी कुछ बन गया हुआ था, क्लिप भी कुछ बन गया था, तो वो आपके साथ शेयर कर दिया। और दूसरी बात अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उसने इतने प्यार से वो केक बना के खुद अपने हाथों से बना के लेके आया था, उसके प्यार का बहुत शुक्रिया। क्यों अम्मी? बिल्कुल क्यों नहीं जी, बाकी हम लोग खुश हैं। अब महानूर की बारी है। महानूर तुम एकेडमी से आई हो, ये कपड़े शपड़े, और ये देखो यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, तुम जूते लेके आ गई हो, ग्लव्स भी पहने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर जा रही हूँ अभी। लाहौर क्या लेने जा रही हो?
खराब है, पता नहीं उससे कोई सर्दी की शिकायत हो गई है क्या मसला हुआ है, वहाँ के डॉक्टर तो यही कह रहे हैं। तो नहीं, हमारी तो मूसा में क्या बस्ती है अम्मी जान, हाँ हम लोग उसे नहीं ना बीमार देख सकते। महानूर कहती है कि मैं नाल जाना, मैं उधर लाहौर तो अबू नाल लैके बिरयानी खा के आनी है। महानूर इस वास्ते जा रही है, लेकिन महानूर जी ना बिल्कुल स्लो होके वीडियो च आँदी है, नहीं सही टाइट वैट होके वीडियो च आया करो। तुम मेरी वो स्वेटर के साथ अपनी ये साफ कर रही हो, हमारा लगा के ना क्रीम दवा दम मेरी स्वेटर के साथ साफ कर रही है। स्वेटर नहीं है, टॉवल पड़ा है। अच्छा अबू ने ना हमें बताया कि वहाँ पे एक बन्नो बीफ पुलाव है, बहुत मजे का बनता है। फिर आज हमने अबू को बोला पार्टी, वैसे हम लोग ज्यादा अबू से पार्टी लेते हैं। अबू मूसा चलना शुरू हो गया, पार्टी दे दें। अबू मूसा ने बाबा बोला पार्टी दे दें, बाबा ये हो गया पार्टी दे दें, मूसा के नाम पे बड़ी पार्टियां लेते हैं हम। क्यों मामा झूठी हो ना, इसलिए हम लोग कहाँ से झूठे हैं, झूठ झूठ बका के झूठ बोल के पार्टियां लेके खाई जाती है पागल। इसलिए तो बोला खाता है जो महानूर है ना भाई रजब के घर गई है, उनके व्लॉग में भी बिल्कुल नहीं बोली, मलाइका के व्लॉग में भी नहीं बोली। और आप लोगों ने देखा है ये जो लास्ट मैंने प्रैंक किया, मैं हैप्पी बर्थडे के साथ स्मोकिंग प्रैंक, वैसे मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि बैड हैबिट है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो वो जस्ट एक फनी वीडियो थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था ऐसा कोई। मुझे बाबा से भी बहुत डांट पड़ी थी आपके कमेंट्स की वजह से, तो ज़रा मेरा भी ख्याल करया करो। मैं क्या बात सुना रही थी, हाँ ये बोलती नहीं है। और ये जो लास्ट प्रैंक में इसका वो क्या हुआ है जी, इसकी आपने लड़ाई चेक की है, इस मैडम की लड़ाई, इतनी आवाज थी और इतनी लड़ाई। अब मुझे कह रही है टाइम नहीं है, बाकी अपना ना वीडियो में भी थोड़ा बोल बोल लिया करो। मलाइका ने कपड़े सी के दिते ने 2-3 सूट फैजा नु, फैजा ने वाला सूट पाया तो पाड़ भी छड़े है, शाबाश फैजा दे, हाँ तो था भी नहीं तो पहला पाड़ लिया, ये नहीं पता कि कोई की लगी या किस तरह पाटा च किस तरह। ते मैं क्या फैजा कपड़े पाड़ गया, कहती नहीं अम्मी तेन गलत फहमी होन डी है, मैं ठीक हो गया। वो पता है क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता था कि वो ये घुटने से थोड़ी सी ना मेरे ख्याल में मैं ना गुजर रही थी कुछ बेड वगैरह का, कुछ पता नहीं कुछ लगा, कोई कील लग गया, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा मेरे कपड़े फट गए हैं। तो लेकिन बड़ा बुरी बात है, अभी तो मैंने पहने भी नहीं है, एक दफा ही पहने और फट गए। चलो कोई गाला। अम्मी आप किससे इसका पीछे से हिसाब किताब जारी किया, ब्लॉग में मत बोला, अब ये देखेंगे लड़ाई। पैसों का हिसाब किताब कर रही हूँ, फैजा ने इजी लोड कराया, मैं कितने पैसे लगे ने कितने वापस आए। अम्मी बस 1200 का करवाया, ठीक है माफ कर दो हमें जाने दो। तो मासा अपना मुंह भी तो लिया करो ऐसा, चले बातें शाते तो होती रहेंगी, हंसी मजाक अपनी जगह। इसके अलावा मुझे आपके साथ ना एक बड़ी जरूरी बात शेयर करनी थी। अच्छा वो जरूरी बात मैं आपके साथ बाद में करती हूँ, पहले आप मुझे ये बताया, मैं ना रोज़ एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसी टाइम मुझे टेंशन पड़ जाती है अब कल किस पे वीडियो बनाऊँगी, कल क्या करूँगी, किस किस को ये मसला मुझे कमेंट में बताएं। मुझे इतनी खाने पीने की नहीं टेंशन रहती जितनी रोज़ मुझे ये टेंशन रहती है कि वीडियो क्या अपलोड करूँगी। मैनू तो लगता सोच सोच के मेरे सिर के बाल चिट्टे हो जाने ने। क्यों अम्मी, अम्मी आपने ये क्या हाथ में पकड़ा। अच्छा ये मैंने आपको बतानी थी, ये ग्लूपाटोन बड़ी अच्छी क्रीम है, ये से आप किसी भी क्रीम में ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये देखें जैसे ये 2 क्रीमें हैं, और ये आप गोल्डन पर ले लें, इसके अलावा कौन कौन सा हमें क्रीमों का नाम बताएं, फाइजा ब्यूटी क्रीम ले लें, महा ब्यूटी क्रीम ले लें, जौन सी मर्जी क्रीम ले लें, इसका नाम है ना फाइजा इसलिए कह रही है। अच्छा अपना जौन सी मर्जी क्रीम ले लें और इन दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करें, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये पाकिस्तान में, ये बाहर चाइना वगैरह की कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान वालों ने पहली दफ़ा खुद कुछ लॉन्च किया। स्किन में ग्लो आता है, स्किन में बहुत ज़्यादा वाइटनिंग आती है, इंसान वाइट हो जाता है, चिटा चिटा हो जाता है, जिसे ये शिकायत है ना मेरा कलर वाइट नहीं होता, वो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये अप्लाई करके देखें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये देखें इसका ये नाम है, ये छोटी पैकिंग में भी मिल जाता है और ये बड़ी पैकिंग में भी मिल जाता है। छोटी पैकिंग है इसकी 400 की, नहीं 450 की, और बड़ी पैकिंग है 4000 की। और तुम्हारे जो दुपट्टे नहीं ख़त्म हो रहे, बस करो अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और ये देखो ये भी जा रही है, इसको लिए मैं आप ही के घर, अभी तैयार तो होने दो बाद में दिखा देना। ये जो कोटिस ने पहना है मैं, मेरा कोट मेरा कोट है। अच्छा चुप कर। तो ये ना आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे कहने पर जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी ये प्रोडक्ट है, स्किन में बहुत ज्यादा ग्लो आता है, जो डस्ट वगैरह वो स्किन से निकल जाती है। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो इसे अप्लाई करें, इसे आप अपनी फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं,
इससे आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाएगी। आए हाय हाय, फिर तो मज़े ही आएंगे। चलें मैं ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी अजान हो रही है, थोड़ी देर में मिलती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और जिस जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी अम्मी लोग जा रहे हैं आप ही को लेने, और मूसा आने वाला है, हमारे मूसा के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रे कीजिएगा। अल्लाह पाक, चले उसे सर्दी लगी है, मुझे नहीं लगता उसे कोई सर्दी सुर्दी लगी है। वो ना दरअसल जब से हुआ था ना हमारे पास ज़्यादा ही रहता है, एक साल हमारे पास रहा है, तब वो उसके बाबा आया बाहर से ले गए हैं। वो भी आपने मेरा व्लॉग देखा, अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लें। उसके बाबा आया अभी कुछ देर पहले। सब्सक्राइबर्स आए भाई, अच्छा बोलना, अच्छा चुप करो कसम से। तो जिसने वो नहीं देखा वो जल्दी से जाके वो मेरा व्लॉग देख ले, और मूसा के लिए प्रे कीजिएगा। वो दरअसल ना हमारे बगैर उदास हो गया है। तो चलिए आज घर आ जाता है अभी मुझे खाना वगैरह बनाना, उनके लिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और सुबह आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने मूसा के साथ। बाय बाय। हाँ जी, तो ये है वो केक, मैंने आपको बोला था मैं दरमियान में ऐड कर दूंगी, लेकिन वो मुझे याद भूल गया। वीडियो एडिट करने के बाद याद आया कि ओहो इस पे तो केक की पिक ऐड करनी थी, और देखे कितने मज़े का, लेकिन इसके कलर्स ने सारा ही बेड़ा गर्क कर दिया। चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए।